ओके अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साढ़े कोल कंवल फरोज साहब ने पंजाबी दे भी शायर ने उर्दू दे भी शायर ने और अज इस कल्चर च शामिल होए ने। तो फरोज साहब सानू तो यह है कि पंजाब का कल्चर क्यों मतलब तरक्की नहीं कर रहे, असं तो थले जा रहे हैं जबकि दूसरे सूबियों की तरक्की हो रही है कल्चर के बारे की कहोगे? ये जी गलत फहमी है कि पंजाब के कल्चर पिछे जा रहा है। पंजाब का कल्चर ने ते बाकी सूबियां दे कल्चर नू भी मुतासर किता है। पंजाबी कल्चर इन्ना खूबसूरत कल्चर है कि ये पिंडा तो लैके शहरां तक फैलिया है और पंजाबी जुबान साड़ी मां बोली जुबान है और ये उन्नी ही कदीम है जिन्नी इबरानी जुबान है। ये 5,500 साल पुरानी जुबान है। कृष्ण जी महाराज पंजाबी बोलते होंगे सी, जड़े राजपूतां दे जद्दे अमजद ने। ते पंजाबी दे विच पंजाबी दा कल्चर ते कदीम तरीन कल्चर है और ये वधदा ही वधदा वधदा अज दे पंजाब और भारत दे पंजाब दे कल्चर च कोई। साडी शायरी बड़ी अच्छी है, गाने बड़े अच्छे, गाना भी पंजाबी दा हिट हो जांदा है, ये भी हकीकत है। ये बिल्कुल सही है, पंजाबी पंजाबियों का बनाया खाना जड़े ने वो देलवी ते लखनवी भी उंगला चट चट के खांदे ते गाना भी वो खाने दी गल कर रहे हैं। खाना भी ते गाना भी, खाना भी ते गाना भी, मतलब पंजाबी नू कल्चर नू असी वधाण वास्ते साडे शायरां अदीबां ने भी तो बड़ा काम किया। बिल्कुल जी, पंजाबी दे कल्चर दी तरवीज और रशायत वास्ते जिन्ना पंजाबियां दे शायरां अदीबां ने काम किया उन्ना घट ही किसी ने किया हो। बुल्ले शाह, वर शाह, शाह हुसैन ये वो लोग ने जिन्होंने पंजाब नू दुनिया भर च मुतारफ करवाता है। इस हस्ती च उस्ताद दामन भी ने, उस्ताद दामन तो इन्हों के बाद आते ना, इन्हों के बाद आते ने, ये तो सर ना कदीम लोग। तो उस्ताद दामन, हकीम शेर मुहम्मद नासर, साई अख्तर हुंदा सी इक। फैज साहब ने भी पंजाबी च कोई नज़म लिखी? पंजाबी च भी फैज साहब ने भी शायरी की है और करीबन उर्दू के हर शायर ने। अहमद राई बहुत वड्डा शायर सी पंजाब का, जिसके गाने जड़े ने जो तेरी दुनिया तो प्यार मुक जाएगा, और मुनीर नियाजी ने भी पंजाबी च लिखिया। हाँ जी, असलम गुरदासपुरी ने लिखे। हाँ जी, फिर कतील शफाई ने, जहीर कश्मीरी ने, ये सारे लोग जड़े ने ये पंजाब का मान और तरान। कमल साहब तुसी भी पंजाबी कोई किताब लिखी या कोई शायरी? मैं पंजाबी किताब तो नहीं लिखी, 1960 दे विच मैं आनर्जन पंजाबी का इम्तहान पास किया सी, फाजले पंजाबी का। उदों मैं पंजाबी दियाँ बहुत सारिया गजलां भी लिखिया। 5 दरिया उस जमाने परचा छपना हुंदा सी, ये मैं 1960 की गल करना पिया। 5 दरिया परचा टैंपल रोड तो निकलता सी, उत्थे राजा वाइन एक दुकान हुंदी सी, उहदे नाल ही 5 दरिया का दफ्तर सी जिथों 5 दरिया एक परचा कढ़दे हुंदे सी। ते उस दे विच भी मेरियां गज़लां छपदियां रहियां ने और एक शेर उस च बड़ा सी मेरा कि चल कमल हुण पिंड नूं चलीए, तैनूं चल कमल हुण पिंड नूं चलीए, तैनूं कोई पिया आवाजां मारे, तेनूं कोई आवाजा मारे। कमल साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, कमल फरोज साहब ने सानू टाइम दिता इस तकरीब च, इन्होंने असी बहुत ही मतलब ममनून है ते असी उन्होंने कहोंगे आइंदा तो किसी प्रोग्राम च तुसी जरूर शामिल होना। इंशाअल्लाह खुदा टाइम दोगे ना, सानू बुलाओगे टाइम दोगे? बिल्कुल, जिन्ना टाइम कहोगे सारा टाइम ही तुहाडा। बहुत मेहरबानी जी, इस पीसीओ रिकॉर्डर तो रूबियो जालम इजाजत दियो, खुदा हाफिज।